नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। भारत में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन लगाया गया है, पंजाब के कुछ जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी इसके पेशेंट लगातार मिल रहे हैं। कोरोना का जो संक्रमण है वो अब तेजी से क्यों फैल रहा है, इसके पीछे क्या जो रीजन है वो क्या है, और वैक्सीनेशन भी चल रहा है तो इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अग्रवाल हॉस्पिटल के MD श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PN अग्रवाल साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो वर्तमान में जो कोरोना की स्थिति चल रही है, जो लगातार इसके मरीज मिल रहे हैं, आपकी पहली टिप्पणी इसी पे ही कि क्यों फिर से ये वापस आ रहा है। वैक्सीनेशन का काम तो चल ही रहा है और लोग भी अवेयर हैं, आखिर क्या इसके पीछे के कारण आप बताएंगे, क्या लोगों से कुछ गलती हो रही है? श्रीकांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अब हिंदुस्तान में सेकेंड वेव आई हुई है। आज सुबह मेरी बात हुई मेरे साथी से इंग्लैंड में, वहां पर जनवरी से लेके अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन है मैनचेस्टर में, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी कंट्री स्टेट में। तो अभी सुबह बात हुई मेरी, हम लोग तो फिर भी भाग्यशाली हैं, हमने बहुत अच्छा मैनेज किया, परंतु ये सेकेंड वेव इस वायरस की फितरत है। ये वायरस इतना तेजी से फैलता है और ये हमको लगता है कि अगर केसेस कम हो गए और हम लोग थोड़े रिलैक्स हो गए तो वायरस का की क्वालिटी नहीं बदलेगी, उसका उसका बिहेवियर ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड तो वैसा ही बना रहेगा। हाईली इन्फेक्शस होने से प्लस नए स्ट्रेन के आने से भी ये बीमारी बढ़ने की पूरी पूरी तैयारी दिख रही है। जी सर, इसके पीछे एक और भी सवाल है कि लोगों की सोच में ये आ रहा है कि वैक्सीनेशन चल रहा है इसलिए अब कोरोना ज्यादा नहीं फैलेगा, तो ये कितनी खतरनाक सोच है लोगों की? देखिए श्रीकांत जी, आज के दिन हमारे यहाँ केवल 2% आबादी को वैक्सीनेशन हुआ है, 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन हुए, पर फिर भी आबादी तो केवल 2% कवर हुई है, और 70% जब तक कवर न हो तब तक हम हर्ड इम्यूनिटी की बात भी नहीं सोच सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोग एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आ गए हैं, हमारे देशवासी बहुत बुरी तरह बड़े लेवल तक कि अरे वैक्सीनेशन चालू हो गया है, वैक्सीनेशन वो दूसरे शहर में बैठे हैं, वैक्सीनेशन कहीं और हो रहा है, किसी और का हो रहा है, और आपको लग रहा है कि मैं भी प्रोटेक्टेड हूँ। ये बिल्कुल सोच ठीक नहीं है, अभी बहुत बहुत दूर है, इतना बड़ा देश है, हमको अभी उन्हीं बेसिक बातों का ध्यान रखना है, जिसमें 3 बेसिक बात मैं फिर से अभी बताना चाहूंगा प्रिय दर्शकों को। देखिए आपसे अपील भी है मेरी, सबसे पहला है मास्क पहनिए, मास्क पहनना हमको प्रोटेक्शन देगा, ये सबसे पावरफुल बैरियर है। इस बैरियर के चलते वायरस हम तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उसके पहुंचने का रूट होता है ब्रीदिंग से, माउथ से, नोज से, और कुछ हद तक आईज से, इसको बचाना जरूरी है। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वायरस जाने में यदि हमने 3 मीटर का डिस्टेंस बनाया तो वायरस का की ड्रॉपलेट पहुंचने में बहुत हद तक कमी आ जाती है। और नंबर 3, हैंड हाइजीन, कुछ फोमाइट से भी फैलता है, हाथ के थ्रू सीक्रेशन के थ्रू वायरस फैलता है, तो आप अपने हैंड वॉश करिए, हैंड वॉश की प्रॉपर टेक्निक फॉलो करिए, 8 स्टेप्स होते हैं जिसमें मैं फिर से बताता हूँ। देखिए इसमें पहले तो या तो रनिंग वाटर और सोप से यूज करें या फिर हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, जो अल्कोहलिक बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं, आप पानी डालते हैं साबुन से पहले उसको अच्छे से रब करिए, फिर एक हाथ की फिंगर्स को रब करिए, दूसरे हाथ की फिंगर्स को रब करिए, हैंड्स को फ्रंट में और बैक में इस तरह रन करिए जिससे कि कुछ एरियाज कवर्ड छूट जाते हैं, उसके अलावा थंब को रब करिए, देखिए कलाई को रब करिए, और फिर से पूरी तरह से क्लीन करने से आप देखेंगे कि इसको हम पूरी तरह से वॉश कर इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक सकते हैं, तो इसका भी फॉलो करना जरूरी है, और इनको फॉलो करने से ही हमको समय मिलेगा जिस बीच में हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, एक हम हर दिन वैक्सीन लगवाते लोगों की फोटोज देखते हैं, एक बड़ा ही रोचक सवाल मन में बार बार आता है, यहाँ तक कि मेरे कुछ जानने वाले और मेरे कुछ यूजर ने भी मुझसे सवाल पूछा है, और गांव से पिताजी का भी फोन आया, वो भी ठहाका लगाते हुए सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि हर कोई लेफ्ट हैंड में ही यानी कि उल्टे हाथ में ही इंजेक्शन क्यों लगवा रहा है, क्या लिक्विड लेफ्ट में लगवाने से जल्दी बॉडी में फैलता है, क्या आप इसको थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड में ही क्यों वैक्सीन का जो है इंजेक्शन लगवाया जा रहा है? देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये फैक्ट देना चाहूंगा, मुझे 2 वैक्सीन लगे, दोनों राइट हैंड में लगे, मेरे हॉस्पिटल में 110 लोगों को वैक्सीन लगे, सबको राइट हैंड में लगाए गए हैं, तो मतलब इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया हमारे साथ, ऐसा नहीं है। देखिए यह एक सिंपल वैक्सीन है, सिंपल लिक्विड है जो इंट्रामस्कुलर रूट से अब्सॉर्ब होता है, जब वैक्सीन को हमारे मसल में लगाते हैं तो मसल में जाके वहां से अब्सॉर्प्शन होता है, ये कहीं की भी बॉडी की मसल हो सकती है,
आसानी के तौर पे डेल्टॉइड में लगाया जाता है। लेफ्ट और राइट की ऐसी कोई धारणा नहीं है, किन्हीं किन्हीं देशों में राइट में, किन्हीं किन्हीं देशों में लेफ्ट में। बीच में बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी आई थी न्यूज़पेपर में भी लास्ट मंथ, पर ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों तरफ इक्वली इफेक्टिव है। जी सर, लेकिन ज्यादातर जो हमने फोटोज देखी है वो तो लेफ्ट हैंड में यानी कि उल्टे हाथ पे ही लोग लगवा रहे हैं, तो इससे क्या बॉडी में जल्दी लिक्विड फैलता है? जी शायद कुछ एक धारणा तो ये थी कि जो लोग राइट हैंडर हैं उनको अगर वैक्सीन लगे बहुत ज्यादा दर्द होगा, फूल जाएगा, पक जाएगा, तो काम करने में असुविधा होगी। परंतु आपने देखा 2.5 करोड़ वैक्सीन में एक भी ऐसा केस नहीं आया जहां पे कोई मेजर समस्या आई हो। हम लोगों ने खुद लगवाए हैं और यहाँ तक कि पता भी नहीं चलता है कि वैक्सीन लगा था ना लगाते हो, पता चला तो ना 2 दिन के बाद पता चला। क्योंकि इतना छोटा वैक्सीन, इतनी अच्छी नीडल्स हैं कि कहीं किसी को समस्या हो नहीं रही है, एक हो सकता था। बाकी कभी कभी लोग बोलते हैं अरे हार्ट के पास है, तो तरह तरह की बातें थी, पर इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है और ये किसी भी तरफ लगाया जा सकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमसे साझा की। एशियानेट न्यूज से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।